कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं, सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है।